सुनाम विखे कासीवाल रोड से स्थित निर्माण कैंपस केंद्रीय यूनिवर्सिटी इग्नो के उच्च सिक्ख्या केंद्र का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिस विच डॉक्टर वी वी रेड्डी निर्देशक खेतरी सेवा विभाग इग्नो ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। इस मौके मुख्य मेहमान डॉक्टर वी वी रेड्डी ने इग्नू निर्माण कैंपस के उद्घाटन मौके कहा कि इग्नू का एकमात्र उद्देश्य हर एक घर से हर एक पिंड तक सिक्ख्या का प्रचार करना है। बहुत कुछ फैसिलिटीज हम ऑफर कर रहे हैं इग्नू से। हमारे पास अभी 10 लाख स्टूडेंट्स है पूरा कंट्री में। इस साल का 2017 का 10 लाख स्टूडेंट्स हम एनरोल किया। ये सारा स्टूडेंट्स 2950 स्टडी सेंटर में एनरोल किया। इसके ऊपर इसको सुपरवाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास 67 रीजनल सेंटर्स है। ये 67 रीजनल सेंटर में 11 रीजनल सेंटर्स एक्सक्लूसिवली आर मेंट फॉर आर्मी, नेवी, असम राइफल्स। इसमें एटलीस्ट 7-10 हज़ार स्टूडेंट्स है ये डिफेंस फोर्सेस से इग्नू में। इसके अलावा हमारे पास 56 रीजनल सेंटर्स है एक्सक्लूसिवली इग्नू का। ये बहुत वधिया उपराला जी। एक स्टडी सेंटर है इग्नू का, इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जिवें तुसी सारे जानते हो कि जे कोई बच्चा सिक्ख्या के दायरे चो बाहर रह जाता तो उहदे लई इग्नू एक इस तरह की यूनिवर्सिटी है, इंडिया लैवल दी, नॉट ओनली इंडिया लैवल दी, नाउ इट हैज़ गॉट एक्सपेंडेड बियॉन्ड द फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सुनाम तो अनिल कुमार की रिपोर्ट, चैनल 2।